राम राम सीताराम सबको। तो आज रात से थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, रात को एक दोबारा अच्छी आई थी और अभी भी चल रही है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो अभी ऑलमोस्ट हमने सारा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो ख़त्म कर लिया है गायों का। अभी बस इन दोनों को चेंज करके अभी आभा जाएगी वहाँ पे, टीलू आ जाएगी यहाँ पे, मीरा नीचे आ जाओ अभी। तो अभी फिर इसको एक बार खाना डाल देंगे तो फिर इतना कुछ नहीं होगा अभी के लिए। बारिश है थोड़ी 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 है, लेकिन इतना अभी कुछ खेतों में पानी नहीं भरा है। लेकिन गर्मी है इतनी तो बारिश डेफिनेटली और आने वाली है। आबा चलो अपनी जगह पे, चलो गुड गर्ल। ये खाना क्यों नहीं खाया? चलो 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 नहाना है बारिश में। यहाँ से तो दौड़ के पड़ेगी। तो अभी बाहू का डी वॉर्निंग टाइम है, तो पकड़े खोला ऊपर, खोलो खोलो खोलो। सो डी वॉर्मिंग हो गया तुम्हारा, चलो ये टू ड्रॉप से दिए ना। तो अभी लाइट नहीं है, लेकिन लाइट तो वैसे रात की गई है, लेकिन इन्वर्टर है तो ठीक है सबको अच्छे से। ना ना जरूर नहीं था, सबको अच्छे से नींद आ गई थी। तो अभी यहाँ पे ऑयल रखा था, मैं पहले बनाने वाली हूँ आज करेले की सब्जी जो हमारे घर के है वो, और ये इसका जो छिलका होता है वो भी मैंने साथ में बॉइल कर लिया। तो पहले सिर्फ प्याज ऐड कर देती हूँ, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम। अभी बारिश का डिस्कशन हो रहा है यहाँ, पापा राम देख रहे हैं। रात को आई है लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे 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 चल रही है। अभी गर्मी है इसका मतलब और आएगी अभी। अटाणे आ वरसाद पड़े ने ई बधो जमीन में जाए ने એટલે આપણો કુવા માં બોરુ માં બધાય પાણી દે કાઈ ભી। અટાણે આ જે ભાદરવો મહિનો હતો ને એમાં જ એની 999 નદીઓનો વેણ પડે ધરતીમાંથી, ધરતીમાંથી કાંઈ વેણ નહોતો ત્યારે ઈવો વર્યો કે 999 નદીઓ કરે થઈ ગઈ ભાદરવા મહિના। ઓનિયન અચ્છે સે બ્રાઉન હો ગઈ થી, મેને ઇસમેં અભી 2 સ્પૂન જીતના બેસન એડ કિયા હે, તો યે ઇસમેં અચ્છે સે કુક હો જાય। તો અભી યહાં પે યે બેસન અચ્છે સે મિક્સ હો ગયા હે। અભી ઇસમેં યે જો करेले का मसाला है ऊपर का छिलका वो ऐड कर देती हूँ, और धनिया, और अभी सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो अभी यहाँ पे करेले का मसाला हो गया है रेडी जो अंदर भरने वाले हैं वो, और ये जो साइड में दिख रहा है आपको ये मैंने ऊपर से गुड़ ऐड किया है ताकि इसका स्पाइसी एंड स्वीट जो टेस्ट होता है वो जो लोग वीडियो शूट करते हैं उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है जो भी कर रहे हैं। इसके लिए करेले की सब्जी खाते हैं। और ये घर के करेले हैं तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और बारिश के टाइम पे ये सब्जी खानी चाहिए क्योंकि ये कहावत है उन्हीं उन्हीं रोटी एंड करेला नु साग। लाइट आ गई, लाइट आ गई। लाइट कल रात से गई थी लेकिन अब हम लोगों को ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है लाइट से, क्योंकि इन्वर्टर पे लाइट चलती रहती है। इसमें ये मसाला भर के अच्छे से, ऑलरेडी ये कुक हो गया मसाला, प्याज एंड धनिया और ये ऊपर का छिलका और सब कुछ, तो इसमें से कुछ वेस्ट नहीं जाएगा और ये टेस्ट में भी अच्छा बनता है। इसको सिर्फ तड़का लगा देना है। तो सब्जी अभी फाइनली हो गई है रेडी।
बस बस बस, खाने जितनी एनर्जी तो ऐसे ही निकाल दोगे तुम। तो अभी 12:15 बज चुके हैं, सो फिर से अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ओम का अभी अभी फाइनली क्लास खत्म हुआ है। और आज क्या बोल रहे थे वो बोल के देखो। तो यहाँ पे फुल मस्ती चल रही है अभी, बारिश हो रही है। कल रात से कंटिन्यू थोड़ी बहुत आ रही है। वैसे अभी बहुत और ज़रूरत है हमें बारिश की। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक बार 15-20 इंच आ जाए, अभी तो हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ पे ट्रैम्पलिन में क्या होता है कि बारिश की पानी की वजह से ये ज़्यादा वो हो जाता है, जंपी ज़्यादा फील होता है ना। और भारती का और ओम का काम ही ये होता है, ये दोनों ज़्यादा मस्ती करते रहते हैं और बारिश आने, भारती यही बोलेगी कि मैं थक गई। एक्चुअल में वही ओम को याद दिलाती है ये सब करने को। और मुझे भीगना वगैरह ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता। अभी मैं, रामदेव एंड ओम तीनों निकले हुए चक्कर लगाने के लिए। इस तो बहुत ही मड़ी है, तुम इसमें भी जा सकते हो, वैसे भी तुम पूरे के पूरे भीग गए हो। अभी ये साल ना एक प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या होता था, बारिश होती थी तो ओम का हमें टेंशन होता था कि ओम स्कूल पे गया है तो वापस पानी आ जाएगा रास्ते में। कभी एक दो बार हुआ था ना ऐसा, पता है बहुत ज्यादा कोरोना मामा ने छुट्टी कर दी, क्योंकि लास्ट ईयर एक बार बहुत ज्यादा बारिश आई थी, पता है सुबह कुछ नहीं था, फिर इतनी ज्यादा बारिश आ गई कि फिर लेने जाना पड़ा, तब भी इतनी बारिश चल ही रही थी। और अभी हमारी मूंगफली में थोड़ी सी जान आ गई है वापस, जो सूख रही थी उससे। और ये जो ग्रास होता है ना पशुओं के लिए सबसे बेस्ट है मानसून में, क्योंकि ये नेचुरली निकला होता है, ये खाते भी है बहुत, ये अच्छे से खाते हैं, उसके लिए बहुत हेल्दी है। वाटरमेलन मिला है, दिखाओ। वो बोला है वाटरमेलन नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं, खाखड़ी का वो होता है, ये बनाते हैं ना, और कोठिंबा है ये शायद, या तो गाय का हुकड़ा, नहीं कोठिंबा ही है ये, क्योंकि इससे ऐसे वाला एक और आता है कि गाय हुकड़ा जिसको हम बोलते हैं, जो गाय खा लेती है तो उसका दूध चले जाता है, ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा होता है। और इसका ड्राई अचार बनता है बहुत ही अच्छा, अच्छा होता है। और गुड़ घी के साथ खाते भी है बहुत लोग, दूसरे भी शायद मुझे पता है राजस्थान में तो ये खाते हैं कोठिंबा। वो अभी जब बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तब इसके ऊपर से पूरा खेत में से पानी जाता है, लेकिन अभी इतनी नहीं है, सो इतना अभी हमें पानी और चाहिए। जब सूरत में हम गए थे तब आई थी ना इतनी, तुम आए थे देखने है ना, जब मैं 6 था तो उसको एक महीने हुआ अभी। ओह माय गॉड, जस्ट ट्राई टू रन। हाँ, मैं पग जब ऊपर आना तब से पानी
नहीं पुश करे ऊपर ओके लिसन गो ऑन कुएं में पानी इतना तो है अभी हमारे जो कि स्प्रिंकल चल रहे थे लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो हमारा कुआं जो है यहाँ तक ऊपर तक आ जाता है क्योंकि ऊपर से पानी जाता है हमारे खेत का अभी तो पूरा खाली है ना हेलो और वो हमारे वीडियोस लास्ट 2 साल से आ रहे एवरी मॉनसून में तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं पुराने वाले उन्होंने देखे होंगे जो नया चैनल जिन्होंने ज्वाइन किया है सब्सक्राइब किया है वो एक बार ढूंढे वीडियोस क्योंकि 1000 से ऊपर वीडियोस हैं तो आपको ढूंढना तो पड़ेगा उसमें लेकिन वो आप वीडियो देख सकते हो 9 1 2 10,000 तो यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स रह रहे हैं उन्होंने पूरा वेजिटेबल मार्केट यहाँ पे भी किया है जिसमें टमेटोज है यहाँ पे मिर्ची लगी हुई है ना मिर्ची हाँ। और ये स्पेशली वो MP से लेके आते हैं ऑलवेज लास्ट ईयर भी लगाया था मक्की लगाते हैं और इसका जो पोटा होता है वो खाने में बहुत अच्छा मध्य प्रदेश नेक्स्ट स्टेट हाँ हमारे पास में है ओ वो लेकिन MP उसका शॉर्ट फॉर्म और यहाँ पे और भी ट्रीज है हमारा आम के पेड़ है और यहाँ पे जो हमने पार्टी के 2 बर्थडे पहले लगाए थे इसको 2 साल होने के लेकिन हमारी इस जमीन में आम नहीं होते इतनी जल्दी लेकिन ये वाले हो गए फिर भी इसमें हमारी साइड जो दरिया की साइड से हवा चलती है तो ओड़ा लगते है ऐसा बोलता है पता नहीं उसको क्या बोलते हैं क्षार होता है उसमें वो हवा में क्षार होता है और वो थोड़े से वो पत्ते गिर जाते हैं जैसे ये इस हमारे ये बड़े आम के पेड़ में भी दिखेंगे और ये जामुन का है ना ये बड़ा हो गया देसी जामुन है और वो दूसरे जामुन जो आते हैं वो भी है देसी जामुन लगे हुए देसी जामुन है यहाँ पे गुआर लगाए हुए है बहुत ज्यादा भिंडी गुआर सारे वेजिटेबल्स है बीन्स लगे हुए 2-3 टाइप्स के अलग अलग ये वाला थे ना बेहतर मूंगफली एंड पीछे पहाड़ भी दिख रहा है अभी रामदेव एंड ओम जा रहे हैं आगे मैं एंड मासी है पीछे तो यहाँ पे जो राजू भाई है उनके खेत में अभी पानी भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा क्योंकि ये नीचे की साइड है और इसमें जैसे हमारे खेत में ज़्यादा मिट्टी और वो डाल के थोड़ा सा लेवल ऊपर आ गया और ये थोड़ा सा नीचे का एरिया है हमारे खेत के कंपैरिजन में तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी भर चुका है ऑलरेडी अभी तो फाइनली अभी हम आ गए हैं हमारे कहाँ पे है ओम दूसरे खेत में यहाँ पे भी भिंडी कौन लगा के गया है हमारे वर्कर्स ने लगाई है और यहाँ पे हमने बॉर्डर पे नीम के पेड़ भी लगाए है 6-7 है लेकिन अभी धीरे धीरे ग्रो होंगे 6-7 से बहुत ज्यादा पूरे साइड में है दोनों अभी उसको मतलब पहले भी हो रहे थे लेकिन अभी मैंने इसको कटवाना बंद कर दिया मैं उन हमारे जो हेल्पर होते हैं उनको भी बोलता हूँ कि इसको काटना मत कि नीम के पेड़ चारों तरफ हो जाए तो फिर अच्छा और ये है हमारी मूंगफली यहाँ की हमारी ये खेत की मूंगफली उस खेत के कंपेरिजन में ज्यादा अच्छी है इस बार वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कम बारिश में इसमें अच्छी रहती है ज्यादा बारिश में उसमें अच्छी रहती है ये होता रहता है लेकिन ये खेत हमारा छोटा है निकलते एक है ना लेकिन ये खेत कैसा छोटा होम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कैसे छोटा है और ये है यहाँ की मूंगफली साइज में बहुत बड़ी और अभी बारिश आ गई है तो मिट्टी वो ज्यादा और भी अच्छी होगी ये अब होगी और मिट्टी तो यार मिट्टी से ही हमारा काम है
ये सब हो जाएंगे। देखो अभी ये लगने वाला है, ये यहाँ पे लगने वाला है। हाँ, दो महीने और दस दिन की हुई है। 22 को लगाई थी हमने, 22 अगस्त को इसको दो महीने हुए। जून को लगाई थी ना हमने, 22 जून को। आंधे रखते हो ना। इसको तुम ही लेके आना, मैं लेके आऊंगी तो वहां तक खत्म कर दूंगी। इसलिए मैंने तेरे हाथ में नहीं दिया ना। क्योंकि फिर पापा को पता नहीं चलेगा कि कितनी मूंगफली है इसमें। अच्छी है ना? अच्छी है, अच्छी होगी और भी अभी होगी। अभी और अच्छी और ऑर्गेनिक है हमारी पूरी मूंगफली। और मूंगफली को ये कैसे हेल्दी है नहीं है वो देखने के लिए इसका जो मेन मूल होता है वो देखना होता है। इसमें कोशिकाएं बनी रहती है, ये जो राउंड राउंड वाली है जैसे मोती जैसी दिख रही है, बहुत ही मजबूत है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि मूंगफली ऑर्गेनिक हो सकती है केमिकल के बिना भी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसके मूल अभी भी देखो। अभी और अच्छी डबल लगेगा ना, क्योंकि अभी तो इसका आधी जिंदगी हुई है, आधी बाकी है। ये 4-4.5 महीने में तैयार होती है। सेम डेट 22 जुलाई को पहुंच पाऊंगी। ओम दौड़ो।